Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. My name is Nadia, and before we start our today's topic, I wanted to say I'm so thankful for such a wonderful response that you guys gave me on my previous videos. I wasn't expecting that. I'm speechless. Such a positive response from people of my own country, where people say that, oh, Pakistanis are not like that. Pakistanis don't really, they don't think they are mindless people or thing like that. But no, in Pakistan, we have very intelligent people. And yeah, the response that I got, the positive response I got for the appreciation I got for the thoughts that I have on minimalism, on simple living, and cleanliness and organization, it shows that there's a lot of sense in Pakistanis as well. And thank you so much for that. And I received some emotional messages as well. Okay, there were people who were feeling sad or discouraged by the norms the society is having and burdening them with the same things. They felt relieved after listening to me. And I feel that I'm so lucky to have been able to do that. And yeah, thank you very much once again for coming back to my channel, listening to me. And it's a great source of pleasure to me, for me. So, hum baat karenge Urdu mein hi. And a lot of people ask me, okay, why you mix Urdu and English? And some people thought that I'm probably the overseas Pakistani. No, I'm not. I lived all my life in Lahore, and I went in Islamabad, lived there for a short period of time, and lived in Karachi as well. But like, Lahore is my place. And when you're born in Punjab, in Lahore, you were bilingual the time you were born. But what happened to me, I started working somewhere, like very early in my life, I started working, and about a ghante aap angrezon ke saath sir khapa rahe hote hain, to ऑटोमेटिकली यू नो आप घर आके आप सो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आप वही किस्म का आपका यू एस ही बन जाता है, तो आप अपनी कंट्री से कट ऑफ हो जाते हैं. ये पहली बार नहीं है मुझे कोई कह रहा है कि भाई स्पीक इन वन लैंग्वेज. मैंने बड़ी कोशिश की है, पहले भी मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं मिक्स ना करूँ, लेकिन जब मैं उर्दू में स्टार्ट करूँ, समटाइम्स आई ऑल्सो से दैट कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी नॉट डू, लेकिन फिर ये होता है कि वो जब एंड होता है तो वो फिर मिक्स हो जाती है. सो दिस इज़ हाउ आई टॉक एंड प्लीज़ बेयर विद मी. सो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में. कॉन्फिडेंस क्या होता है? बहुत सारे लोग, जब आप अनस्कूलिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल भी करते हैं कि और आपके बच्चे कॉन्फिडेंट कैसे होंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो कॉन्फिडेंट कैसे होंगे. कॉन्फिडेंस क्या है? क्या है कॉन्फिडेंस? प्लीज़ आई वॉन्ट नो वट इज़ कॉन्फिडेंस. वट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस? प्लीज़ राइट मी इन द कॉमेंट्स कि वट यू थिंक इज़ कॉन्फिडेंस. वो कौन सा कॉन्फिडेंस है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं होगा? कौन सा कॉन्फिडेंस? ये वो वाला कॉन्फिडेंस है, हम किसी से मिलने गए एंड थोड़ी देर बाद उनकी सबसे छोटी वाली बेटी आई और उसने एक कमीज़ पहनी हुई थी जिसका बहुत बड़ा गला था. एंड वो कमीज़ तो उस बच्ची के लिए सिली थी मेरा ख्याल, लेकिन वो जो दर्दन थी शायद उसको कमीज़ नहीं थी कि कमीज़ को कैसे सीना है, तो वो गला बहुत बड़ा था उसका. और उसकी अम्मी हंस रही थी और वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को खुली मतलब परमिशन देती हूँ कि मैं इनकी कि वो कपड़े भी खुद चूज़ करके पहना करें. तो इस तरह आपको पता है कॉन्फिडेंस बच्चे का जो है ना वो हाई होता है. इज़ दिस द कॉन्फिडेंस दैट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट? के आई एम नॉट सेइंग इट वाज राइट और रॉन्ग. व्हाट आई एम आस्किंग यू गाइस इज़ के इज़ दिस द कॉन्फिडेंस? हम जो है एक ऐसी जनरेशन है जो कि जब हम छोटे थे तो हर कोई किसी हर बड़े ने हमसे अपनी इज्जत कराई है. मामियाँ होगी, चाचियाँ, ताइयाँ, बाय डिफ़ॉल्ट हम उनकी इज्जत करते थे. ठीक है, डांट भी पड़ रही होती थी और हमें इतनी वो हिम्मत नहीं होती या हमें इतनी इजाज़त नहीं दी गई थी कि वी कुड से एनीथिंग, बेशक हमारी गलती क्यों ना हो. हम एक ऐसी जनरेशन है जो कि हम अपने बड़ों से भी डरते आए और अब हम अपने बच्चों से डरते हैं.
किस आज मैं वही सारे रिश्ते जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती थी आज मैं उन सारे रिश्तों में हूँ, लेकिन what I get is मैं बच्चों से बात नहीं कर सकती, मैं बच्चों को कुछ कह नहीं सकती कि मुझे पता है कि बहुत फजूल जवाब आएगा आगे से. I mean, do you call it this confidence? आप इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं या इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं कि आप कहीं अभी गई हैं किसी के घर हो गए, हाय कैसी हो गई हो तुम, पतली हो गई हो, मोटी हो गई हो, काली हो गई हो, पीली हो गई हो, या ये कॉन्फिडेंस है कि ये कहना है मैंने, या ये अगर मुझे कोई कह देता है तो फिर मैंने रिएक्ट कैसे करना है और मैंने भी उसे ये कहना है, क्या कहना है. पाकिस्तानी सोसाइटी में इस तरह रहने के लिए ना यू नीड अ फॉर गाइडलाइन या कोई एक पूरा आपको एक मिलना चाहिए, एक ब्रोशर कि भी किस तरह आपने ये सारी चीज़ों को टैकल करना है. क्या किसको आप कॉन्फिडेंस कहते हैं, ठीक है. सम पीपल से कि नहीं ससुराल वालों के साथ गुजारा करने उनको कॉन्फिडेंस क्या क्या है कॉन्फिडेंस. मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आता है व्हेन यू नो योरसेल्फ. When you know your surroundings, when you know ke who in your surrounding is wrong and who is negative, and when you know how you're going to make yourself better every day, this is something that automatically brings about confidence. When you know ke kis का जवाब देना है और किसका जवाब नहीं देना है, दैट सेंस, दैट मैच्योर सेंस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. अपनी बात अगर सच है, हक है, तो उस पर खड़े कैसे रहना है, दिस इज कॉन्फिडेंस. सो इजी नो. ऑल्सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, माँ से बच्चे कॉन्फिडेंस इनहेरिट करते हैं. डे टू डे लाइफ में जब वो अपनी माँ को देखते हैं, वो अपनी माँ से उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी इमोशंस, हर चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं. अगर आपने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट करना है तो आप उसको किसी थर्ड पार्टी के पास क्यों जाने दे रहे हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं कि यार वो वहाँ से कॉन्फिडेंस सिखाएगा, वहाँ पे और लोगों के बच्चे जो खुद कॉन्फिडेंट होंगे, और लोग जो खुद कॉन्फिडेंट होंगे उनके बच्चे जो वहाँ पे होंगे उनसे वो कॉन्फिडेंस सिखाएगा. व्हाई कैन्ट यू बी कॉन्फिडेंट एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन योर किड्स. कॉन्फिडेंस होता है जब आपने गलती की हो तो आपको एक्सेप्ट करनी आए. कॉन्फिडेंस होता है जब आपके साथ किसी ने अच्छाई की हो तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना. मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चंक्स जो है वो बगैर कॉन्फिडेंस के गुजारा है. एंड आई नो इट्स पैथेटिक, आई नो कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है सब कुछ, अगर व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट तो आप जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी जिस तरह से आप ज़िंदगी को देखते हैं आपका लेंस ही चेंज हो जाता है. ऐसे लगता है कि आप कोई दूसरे डिल्ले लगवा के आए हैं, उससे आप ज़िंदगी को देख रहे हैं कि भाई अच्छा दिस इज हाउ इट इज. माई मदर वॉज अनकॉन्फिडेंट, शी वॉज अ वेरी सबमिसिव सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. सिर्फ घर में चलेगी उनकी, या घर में शी कुड थ्रो टैंट्रम्स, लेकिन आउटसाइड शी वॉज जस्ट लाइक शी हैड नो, शी वॉज इनविजिबल. हम अपने रिलेटिव्स में चले जाएँ, वी वर द मोस्ट ओबीडियंट बच्चे, क्योंकि वी कुडंट अफोर्ड टू बी अदरवाइज. अगर हम कुछ करेंगे तो हमें डांट भी पड़ेगी, एंड नोबडी इज़ गोइंग टू रेस्क्यू अस, ठीक है. और अगर हम कुछ नहीं भी करते थे स्टिल थिंग्स वरंट गुड, क्योंकि हमें पता है हमने कुछ भी किया, किसी ने हमें मारा कि तो असिंग वी बी लाइक कि नहीं तुमने कुछ किया होगा. तो दैट काइंड ऑफ सिस्टम वॉजंट इन प्लेस. प्लस देर इज अ बॉडी लैंग्वेज, देर इज समथिंग वाइब्स होती हैं इनसिक्योरिटी की,
इनसिक्योरिटी की और फीलिंग नॉट कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी, इन योर स्किन, इन योर फाइनेंशियल स्टेटस, इट ट्रिकल्स डाउन टू योर किड्स वेरी सटली. तो शी डिडंट रियलाइज, लाइक मेनी ऑफ अस वी डोंट रियलाइज. एंड as I said, one part of being confident is you know who you are, you know what's wrong. So I started, jab maine apna itna time zaya kar liya, jab like I was, main to darpok bachcha tha, main darpok ban gaya, theek hai. I used to bite my nails and I used to feel ki yaar agar koi social gathering hai, I could be visible, invisible. Kisi tarah main yahan se bhag jaun, कोई रेस्क्यू कर ले मुझे यहाँ से, बस आई डिडंट वॉन्ट टू बी अमंग पीपल. एंड मुझे अभी भी सोशल एंग्जाइटी है, लेकिन व्हाट आई डू इज दैट आई हैव सिस्टम इन प्लेस. ठीक है, आई नो कि यार ये मेरे साथ प्रॉब्लम है एंड आई नो हाउ आई एम गोइंग टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स. ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन दम. सो द सेम थिंग इज दैट आई नेवर थॉट दैट आई वुड एवर बी एबल टू फेस अ कैमरा एंड टॉक. आई नेवर थॉट लाइक दैट. सो I couldn't afford, like as I always say ki we have one life, I couldn't afford ki yaar agar my mother wasn't confident to main us cheez ko replicate ho gayi subconsciously mere andar aa gayi, now I'm going to take it with me all my life. Nahi, I got to fix it. I have the tools, I'm going to sit down and I'm going to fix myself. So I started pretending to be confident. Theek hai, I started you know, you just, when you do it, you actually start becoming that thing. ये शायद मेरे साथ मसला नहीं था, ये हमारी बहुत सारे हाउस होल्ड्स में सबके साथ अभी भी जो औरतें मेरी उम्र की भी हैं, they do the same thing. जो इमोशंस वो फील करती हैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाती, या वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं. वो समझती हैं कि पता नहीं ये कुछ अजीब सी चीज़ है, पता नहीं, आई शुडन बी फीलिंग लाइक दैट, इट्स क्रिमिनल ऑफ मी टू फील लाइक दैट. सो वो उसको हाइड करने की कोशिश करती हैं, डिस्पाइट कन्फ्रंटिंग देयर ओन इमोशंस, दे ट्राई टू जस्ट ब्रश देम अंडर द कारपेट, विच इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. माई मदर वॉज़न्ट कॉन्फिडेंट एंड consequently I wasn't confident. मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारा हिस्सा, majority of my life, I lived with insecurities. एक दिन जब मैंने ज़रा गौर किया कि यार ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, then I realized कि where those things are coming from. Then I corrected them. And हम अपने बच्चों को कैसे कॉन्फिडेंस सिखा सकते हैं भाई, जब तक हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते. ये एक कंटेजियस किस्म की चीज़ है जो कि बच्चे आपसे अनोइंगली, सबकॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं. कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप मुंह भट बन जाएं, कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आपको अगर कोई किसी से इख्तलाफ करना है तो आप बस गालम गलोच पर उतर आए, ठीक है, या आप किसी को अटैक की उसकी विनो आंटी उनका अटैक करने का तरीका ये है कि वो बैठते साथ ही वो आपके बॉडी पे कोई ऐसी बात कर देंगी कि आप उसके बाद, आप जब तक वहाँ बैठे हैं, वो आपको इतना कॉन्शियस कर देंगी अपने बारे में कि आप कोई और बात करें, यू वुड नेवर बी इन योर राइट माइंड. व्हाट इज दैट? इज इट कॉन्फिडेंस? ये क्या है यार, दिस इज नॉट कॉन्फिडेंस. आई डोंट नो, ये सब जो सारी हमसे जो जरा बड़ी उम्र की औरतें हैं वो कहाँ से ये चीज़ें सीख के आई हैं? हु टॉट देम दीज थिंग्स? या शायद ये रिएक्शनरी एटीट्यूड है, ये शायद उनके साथ भी ऐसा होता रहा हो. उसको कैसे मैंने कोप करना है, शायद इनका कोपिंग मैकेनिज्म था ये. पढ़ी लिखी प्रोफेशनल जगहों पे ये चीज़ें काम नहीं आती हैं, वहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट काम आता है. ग्रोथ माइंडसेट ये होता है, सिट डाउन
सी क्या तुम्हारे साथ मसला क्या है, जो फीलिंग्स तुम फील कर रही हो उसको लिखो, उसको नाम तो दो कोई। सोचो कि यार अगर आई एम अपसेट, व्हाई एम आई अपसेट, आई एम सैड, यू नो, लेट पीपल नो दैट यू आर सैड एंड व्हाट्स द रीजन यू आर सैड। अपनी बाउंड्रीज रखो लोगों के साथ। If you don't like something, let other people know. Okay? Hum, as I said, what my mother did to me, I don't want to do it to myself. I can change it. And I do know कि ये एक जिंदगी है, इसको अगर मैंने change ना किया और मुझे अगर मैंने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी ना गुजारी है, यार वो बच्चों की बात में बात आती है कि वो बच्चों तक डिलीवर होगा कि नहीं होगा, व्हाट एम आई गोना डू, एम आई इम्प्रूविंग माय लाइफ विद इट। अगेन, कॉन्फिडेंस एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इमोशन है। ये पूरी दुनिया में सर्वाइवल के अंदर जो जिसको कहते हैं ना, इट्स वन ऑफ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कह लें आप। If you are not confident, you cannot achieve anything. Confidence equals productivity. Every positive thing, every positive word that you see nowadays, it comes with confidence. Failure bhi aata hai confidence ke saath. Failure ko acha samajhna, usko tackle karna, usko accept karna, usse seekhna. That is confidence, bro. That is confidence. So be confident. दुनिया जब आप खुद confident होते हैं ना, दुनिया में कोई आपको नहीं हिला सकता। सिर्फ आप ही अपने आप को stop करते हैं कुछ भी करने से। So अगर आप चाहते हैं, पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि confidence आपको लगता क्या है, कि क्या है confidence। फिर आपने मुझे ये बताना है कि आप क्यों नहीं है कॉन्फिडेंट, क्या आपको कोई रोक रहा है कि आप कॉन्फिडेंट ना हो, या शायद हमें किसी ने कभी बताया नहीं कि यार ये होती है कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी बेकरी में जाते हैं, शूज की कोई शॉप, कोई ब्रांड की शॉप, कहीं भी आप जाते हैं, फ्रेंड्स तो खैर अब बड़े बड़े माउथ में लग गए, तो आप किसी भी शॉप में जाते हैं, जिस तरह ज़्यादातर हम बेकरीज में देखते हैं कि एक गार्ड आपके लिए दरवाज़ा खोलता है, बी थैंकफुल, से थैंक यू सर, कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है, बी थैंकफुल, यू आर नॉट एंटाइटल्ड कि वो आप दरवाज़ा खोलें, आप उसको क्या पे कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी वो उसका गार्ड है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करे, बी नाइस विद पीपल, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये हमारा काम नहीं है कि हम हर एक के साथ नाइस होते फिरें, ये हमारा काम नहीं है कि हमें को दो चपेड़े मार के जाए तो हम उसको भी कहेंगे हाँ जी आई वॉन्ट बी नाइस विथ यू, ये तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया करने वाली बात है। दिस डजन कम अंडर कि यू आर कॉन्फिडेंट। जब आप कोई दो चपेड़े मारने की कोशिश करता है या मारता है, जिस लाइक नो कि यार चपेड़े मारने का मेरा मतलब, जैसे आई एम टेकिंग इट इन अ फिगरेटिव लैंग्वेज, कि यार आपको कोई तंग करता है या आपको फील होता है कि यार दिस पर्सन इज डीग्रेडिंग मी, डिसरिस्पेक्टिंग मी, let them know you don't like it and you mean it, theek hai, just don't be, ek rule hamesha yaad rakhein, tit for tat, shuruaat kindness ke sath kare, agar aapko response mein kindness milti hai be kind again, wahi banda jo aapke sath 10 dafa kind tha ek dafa aapke sath kind nahi ho raha, be unkind, ko samajh aa jayegi, अब वो फिर काइंड हो जाता है, बी काइंड होता है, ठीक है। इफ अ पर्सन इज बीइंग रूड टू यू, जस्ट बी रूड टू देम, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हाँ इज इट, सो जस्ट ये मत सोचें कि आपकी सल्वेशन है इस दुनिया में, आपने लोगों के साथ अच्छाई करनी है, चाहे आपके साथ लोग जो मर्जी करते रहें, जो सही लोग नहीं हैं वो तो विक्टिम ढूंढते हैं, वो काइंड लोगों को ढूंढते हैं ताकि वो अब विक्टिम ढूंढें,
बी कॉन्फिडेंट और बी अ विक्टिम. चूज योरसेल्फ. थैंक यू.